पैदल ना चलने के 18 नुकसान, इसे जानकर ही आप कल से पैदल चलना नहीं दौड़ना चालू करेंगे। चलो इसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पैदल ना चलने के 18 नुकसान कौन से हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में डाला था कि पैदल चलने से कितने फायदे होते हैं, पैदल चलना कैसे है, किस तरह का चलना है, रोज के चलने में हमने क्या इंक्लूड करना चाहिए, जिस तरह से हमारा चलना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जरूर वीडियो आप देखिएगा। अब हम देखेंगे कि आप पैदल चलते नहीं है तो कितना नुकसान अपने आप को रोज कर रहे हैं। हमको लोगों को हमने पूछा कि भाई आप पैदल क्यों चलते नहीं है, सुबह क्यों जाते नहीं है, तो एकदम फ्री में है, पैसा लगता नहीं है। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको सुबह उठना जमता नहीं है, रात को लेट सोते हैं, फिर नींद अच्छी होती नहीं है, ख़राब होती है, सुबह फ्रेश नहीं लगता है, फिर सोचते कल से जाएंगे। ऐसा बहुत सारे कारण है, सुबह टाइम नहीं मिलता है, फिर सुबह जल्दी काम पे जाना पड़ता है, ऐसे काफ़ी सारे हजारों कारण लोग देंगे। तो नहीं चलने के तो बहुत ही कारण आपके पास में, चलने का एक ही कारण आपके पास में होना चाहिए चलने के लिए, और वो है कि मेरी सेहत का ख्याल मैंने रखना है, बस एक ही कारण। आप चलना चालू करेंगे तो सेहत आपकी बहुत बढ़िया हो जाएंगी। नहीं चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है? नंबर एक, आपका वजन बढ़ता है और मोटापा होता है, ओबेसिटी आती है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं चलने की, तो डेफिनेटली आपको मोटापा आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप चलते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, मतलब हम खाना जो खाते हैं उसका कन्वर्शन होता है एनर्जी में, वो एनर्जी को खपाना चाहिए ना, खपत उसकी होना चाहिए, वो चलने में होती है। यदि खपाते नहीं है तो हमारा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं यदि आप चलते नहीं है तो। आपका दिल जो है वो कमज़ोर होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इसके वजह से आपका सर्कुलेशन कम हो जाएगा। सर्कुलेशन कम होगा तो और ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, तो आपका दिल कमज़ोर करना है, बीपी बढ़ाने का है, तो ज़रूर घर पे बैठिएगा, चलिए मत। नंबर तीन, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि हम खाना खाते हैं उसमें काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठा खाते हैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए, मतलब वो शुगर जो है उसको पचाने के लिए काफ़ी सारा इंसुलिन लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं हैं, तो इंसुलिन को रेजिस्टेंस आता है, मतलब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। इंसुलिन आता तो है मगर उसका काम नहीं होता है, और उससे फिर डायबिटीज़ और बढ़ते रहता है। यदि आप चलना चालू करते तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ से मुक्ति पाओगे, या डायबिटीज़ आपको होगा भी नहीं। नंबर चार, आपको घुटने के दर्द नहीं होंगे। जो लोग चलते हैं ना, उनको घुटने के दर्द नहीं होते, उनके घुटने जो है वो तंदुरुस्त रहते हैं और एकदम फिट रहते हैं, और घुटने के दर्द उनको होते नहीं हैं। नंबर पाँच, आपकी मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर होती है यदि आप चलते नहीं हैं तो। कहते हैं कि हमारे मसल जो है ना, मसल्स, मस्कुलर मास, वो बनता कैसे? वो जब आप एक्सरसाइज करते तब बनता है। अभी आप यदि एक्सरसाइज करेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो डेफिनेटली हमारी मांसपेशियाँ जो, मसल्स जो है वो कमज़ोर होंगी, और यदि मांसपेशियाँ कमज़ोर है तो आप जल्दी थक जाओगे, और शाम को आपका पूरा जूस निकला हुआ रहेगा, आपकी पूरी गारंटी ख़त्म, वारंटी ख़त्म, और आपको ऐसा लगता है कि अब कब जाके सो जाऊँ। तो मांसपेशियाँ आपकी पावरफुल करना है तो चलना बहुत अच्छा है और चलना जरूरी है। नंबर छः, आपकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी। आप यदि एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि चलना जो है ना वो एनर्जी लाता है, आप एनर्जेटिक नहीं है, चलते नहीं हो, तो नेचुरली कोई काम करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, कार्यक्षमता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी वो कम हो जाएगी। आपको कोई काम करने के लिए आधा घंटा लगता है तो वो काम एक घंटा लगेगा काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि आपको डल महसूस होगा। नंबर सात, जब चलते हैं और फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग चलते हैं ना, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब ऐसा होता है कि 130-140 कदम पर मिनट, तो उससे आपके फेफड़े जो है उसमें काफ़ी सारी हवा अंदर जाती है, बाहर आती है, और फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। फेफड़े यदि मजबूत रहेंगे तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी सारी जो अस्थमा जैसी बीमारी है वो नहीं होंगी, और आप बहुत फिट रहेंगे। नंबर आठ, आपका पॉस्चर जो है वो आपका अच्छा रहेगा। क्या होता है जब आप चलते हो तो आप ऐसा चलते हैं बिल्कुल खंधे से ऊपर करके, सीना तान के ऐसे चलते हैं आप फास्ट, तो आपका पॉस्चर जो है वो 40 मिनट एक घंटा ऐसा एकदम स्थिर और कड़क और स्ट्रेट रहता है। तो आप चलते नहीं तो आप ऐसे झुक के बैठेंगे, जब घर में बैठे तो टीवी देखेंगे तो आप बहुत बेकार पॉस्चर में बैठेंगे। तो चलना यदि चालू नहीं करते आप, तो आपका पॉस्चर जो है वो झुक जाएगा जल्दी, और कोई भी पहचान लेगा कि यार ये आदमी बहुत ही बुरा दिख रहा है। नंबर नौ, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी।
ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं और धूप में जाते हैं, वहाँ आपको विटामिन डी मिलता है और कैल्शियम, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, और वो आप चलते हैं तो उससे मिल जाता है। क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और नेचुरली जब भी कुछ थोड़ा भी कुछ हो गया, थोड़ा भी गिर गया तो तुरंत फ्रैक्चर होने का चांसेस है। इसलिए आपको हड्डियाँ मजबूत करना है तो आपको चलना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 10, पाचन क्रिया। पाचन संस्था जो हमारी है वो जब हम चलते हैं तो एक्टिव रहती है। आप एक्टिव है तो पाचन संस्था एक्टिव है। यदि आप बैठे रहेंगे, चलेंगे नहीं, तो आपने जो खाना खाया उसका पाचन होता नहीं है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डाउन हो जाता है, चीज़ें अंदर जमा होती जाती है, और पाचन क्रिया एकदम ठंडी बहुत स्लो हो जाती है, जिससे आपको फिर भूख भी लगेंगी नहीं। बैठे बैठे फिर आप कुछ तो भी खाएंगे, फिर बैठेंगे और खाएंगे, और उससे आपका वजन और बढ़ता जाएगा। नंबर 11, आपका दिमाग का स्वास्थ्य जो है वो चलने से बहुत अच्छा होता है। जब आप चलते हो तो आपके दिमाग की जो कंडीशन है, हॉर्मोन्स है, उसका इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा, और आपकी एंग्जाइटी लेवल जो है, डिप्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाती है। डिप्रेशन कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, और आपका दिमाग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 12, आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी रहेगी। जब आप चलते हो तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हो, जोश में रहते हो। आप देखो, आप घूम के आ जाओ, पैदल चल के आ जाओ, बहुत अच्छा आपको लगेगा। हाँ, चलने के समय हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगेगा, चलने के समय पैर दर्द करेंगे, बाद में देखो कितना अच्छा लगता है, तो बहुत ही एनर्जेटिक लगता है। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कोई भी बीमारी के लिए प्रतिकार करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इम्यूनिटी लेवल। तो वो इसलिए यदि आप चलते नहीं हैं तो इम्यूनिटी लेवल आपकी कम हो जाएंगी, प्रतिकार शक्ति कम हो जाएंगी, और आपको कोई भी बीमारी जल्दी लग सकती है। नंबर 14, जो लोग चलते हैं उनको अच्छी नींद आती है, जो चलते नहीं है उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। चलने से थकान आती है और नींद अच्छी लगेंगी। चलेंगे नहीं आप, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपकी नींद खराब हो जाती है। नंबर 15, बाहर जब आप घूमने चले जाते हो तो आपको ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन की लेवल बहुत अच्छी मात्रा में अंदर जाएंगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन की लेवल अपनी बढ़ जाएंगी, नेचुरल ऑक्सीजन बिल्कुल, मतलब नेचर में जो जो गैसेस है वो अंदर जाएंगे, और आप बहुत ही फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। नंबर 16, जब आप घूमने जाते हो, चलने जाते हो, तो आपको खुशियाँ मिलती है। यदि आप घर में बैठेंगे तो आपको खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? क्यों? क्योंकि जब आप घूमने जाते हो आपको फील गुड हार्मोन्स जो है वो अच्छे मात्रा में सीक्रेट होते हैं। जब फील गुड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, नेचुरली खुशियाँ मिलती है, तो आप खुशियों से आप दूर हो जाते हो यदि आप चलना नहीं करते हो, चलते नहीं हो तो। नंबर 17, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। क्या होता है कि हर गांव में कम्युनिटी है चलने वालों की, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, लोग इकट्ठा जमा हो जाते हैं और इकट्ठा जाके ग्रुप में जाके चलते फिरते हैं, एक दूसरे के विचार लोगों को मालूम पड़ते हैं, रिश्ते अच्छे बन जाते हैं, और बहुत ही आपको अच्छा लगता है। वो लोग जो जाते नहीं हैं उनके रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं। नंबर 18, आपको जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। क्या होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो एक एज के रहते हैं तो बच्चे जैसी हरकतें करते हैं, एक साथ डांस करेंगे, मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उनको बचपना याद आता है, और आप बूढ़ा होने से बच जाते हैं। यदि आप जाते नहीं हो तो विचारों की श्रृंखला इतनी चालू रहती है, 58 साल की उम्र में लोगों की गारंटी वारंटी सब खत्म हुई रहती है, और लोग अभी मरने का इंतज़ार करते हैं, तो ऐसा न होते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। 58 भी हो गए तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य में आखिरी तक रहेंगे। तो ये 18 नुकसान आपको होते हैं यदि आप चलते नहीं हैं तो। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने डेफिनेटली चलना चाहिए, चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम है। क्या होता है कि हमको चलना इतना महत्व का लगता नहीं है, एक्सरसाइज करना इतना महत्व का लगता नहीं है, उसके बदले बैठ के मैच देखना अच्छा लगता है। मैच देखूंगा तो मज़ा आता है, और मैच देखते रहते क्या होता है कि लोग खाते रहते डेयरी प्रोडक्ट्स है, जंक फूड्स है, बैठेंगे खाएंगे और मोटा होते जाएंगे। तो ये ना करते हुए आप यदि चलते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खुद का ख्याल रखना, तंदुरुस्त रहना, ये बहुत ही महत्व की है, वो आपने ख्याल रखना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैं वर्कशॉप लेता हूँ, तब मैं ये बताता हूँ कि भाई स्ट्रेस आपको कम करना है तो चलना चालू करो। यदि आपको स्ट्रेस भी आता है और आप चलना चालू करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का ख्याल रखो, क्योंकि यू आर वर्थ इट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। मानसिक स्वास्थ्य के लिए
टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए यदि आपको कुछ चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।